दोस्तों आपका गोपाल राजू का नमन। अभी नासिक और मालेगांव प्रवासी रहा मेरे मित्र हैं, मेरे भाई की तरह मान के चलो, अभय शाह, ये हस्त मुद्रा विज्ञान के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं। वहाँ पे एक जैन मुनि जी का सानिध्य रहा और बहुत ही आनंदमय समय बीता हुआ था, क्योंकि बहुत ज्ञानवर्धक बातें मिली। मैंने देखा अकूत भंडार है ज्ञान के वो, और उनका जीवन मैंने देखा दो तीन दिन कि कैसे जीते हैं जैन मुनि, कितना संघर्ष करते हैं, कितना कठिन जीवन है उनका। उनसे कुछ बातें मिली मैंने, मैं तो बिल्कुल बाल सुलभ हट की तरह बात करने लगता हूँ जिससे बात करता हूँ। जैन मुनि लोग मैंने देखा कि ना तो ज़्यादा बोलते हैं, ना अपनी बातें शेयर करते हैं, ना अपनी बातें बताते हैं, है ना। बहुत ही एकाकी जीवन मैंने देखा कि जीने वाले संत होते हैं ये वाले। खैर, मेरे बाल सुलभ भट्ट के कारण मैंने उनसे पूछा कि ये आज का जो इंसान है, आप देख रहे हैं हर आदमी कितना घुटन में जी रहा है, कितना कितना उसके जीवन में कितनी कलुषता है, कितनी घुटन है, जीना मुश्किल हो रहा है हर इंसान का। और वो घुटन चाहे वो व्यक्ति की आंतरिक घुटन है या वाह्य घुटन है, हर तरफ से घुट रहा है। देखिए बाहर से पॉल्यूट एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन और इतना आपाधापी, और अंदर से तो सब है ही, देखिए घुट ही रहे हैं सब अंदर ही अंदर। तो इसका क्या उपाय, इसको कैसे किया जाए, है ना। इसको हम तो बड़े प्यार से बताने लगे, खैर वो कहने लगे देखिए हम जो हमारा अंतः मन है हमारा, हम इसको कुछ रास्ते हैं जिससे हम कम से कम, ये तो हमारे वश में है, ये तो कम से कम ठीक सकते। तो जब मैंने सुना तो मैंने कहा अरे ये तो सरल सी चीज़ें हैं, कोई भी ये वाले कर सकता है, कोई इसमें कोई कहीं श्रम नहीं है इसमें, कहीं कोई इसमें मेहनत नहीं है, है ना, कोई इसमें कोई हल नहीं चलाना, कोई अनुष्ठान नहीं करना। तो उन्होंने तीन चीज़ें बताई, तीन प्रयोग बताए इन्होंने, तीन उपाय बताए इन्होंने कि ये बड़ी लंबे भाषण रहा, मैं तो सूक्ष्मीकरण में आपको बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर जो लंबे में जाना है तो जैन साहित्य में बहुत मिलती हैं सब चीज़ें, मैं धीरे धीरे दे रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए एक उन्होंने बताया खमत खामण प्रयोग, इन्होंने इसमें बताया देखिए कि जो हमारी घुटन है इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारी मानसिक दुर्बलता। और ये बताया देखिए उन्होंने कि जो व्यक्ति क्षमा का महत्व समझता है, जिसको पता है इसकी इम्पोर्टेंस पता है क्षमा की, वो कभी घुटन में नहीं रह सकता, वो कभी घुटन में जी ही नहीं सकता, रहना क्या, वो जी ही नहीं पाएगा घुटन में जितने क्षमा का महत्व समझ लिया। अगर मन में कभी भी किसी के प्रति कोई विचार आए तो उसको छुपाओ नहीं, उसको दबाओ नहीं, उसके सामने बैठ जाओ और बस उसे कह दो कि मन में तुम्हारे ये विचार उसके प्रति आया था, बस इतना। और अगर ये भाव कहीं ना कहीं वो नहीं बताओगे तो ये भाव तुम्हारे उसके प्रति जो बन रहे हैं, जो पैदा हुए हैं, जो उपजे हैं, ये ग्रंथि बन जाएंगे। और ग्रंथि को खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बताया कि देखिए अगर ग्रंथि खुली नहीं जाती तो फिर ये क्या होता है, बढ़ते 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 जो ग्रंथि है, छोटी सी ग्रंथि होती है, फिर ये क्या होता है कि कैंसर बन जाती है, गांठ बन जाती है, नासूर बन जाती है, कैंसर बन जाती। तो उन्होंने कहा ये जो ग्रंथि है ये, इसको पलने ही मत दो, इसको बढ़ने ही मत दो, इसको पनपने ही नहीं दो, निकाल दो इसको किसी तरीके से। कैंसर में जो ग्रंथि बनती है, कैंसर में जो गांठ बनती है, सर्जन क्या करता है, सर्जन निकालता ही तो है उसको सर्जरी करके। तो ऐसे ही जो ये ग्रंथि है, इसके लिए सबसे अच्छा उस व्यक्ति के सामने बैठो जिसके प्रति तुम्हारे मन में भाव आए और उसे कह दो, बस यही खमत खमण प्रयोग है। दूसरा उन्होंने प्रयोग बताया ऋजुता का प्रयोग, ऋजुता का बताया कि सबसे जो सरल सबसे अच्छा घुटन से बचने का जो उपाय है वो है ऋजुता। इसमें क्या होता है कि इसमें बस देखो ये स्वीकार कर लो, ये एक्सेप्ट कर लो, ये मान लो कि तुमसे गलती हुई है, तुमने कहीं ना कहीं कोई गलती करी है, बस उसको देखो और वो देखो कि तुम्हारी गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ तुमसे भूल हुई, उस गलती को देखना है,
उस गलती को समझना है, उस गलती को महसूस करना है और उस गलती का पश्चाताप करके उसका बहिष्कार करना, और उस पश्चाताप के बाद में उसके पुनरावर्तन का संकल्प लेना है कि ये गलती ना हो। ये ऋजुता प्रयोग। तीसरा उन्होंने प्रयोग बताया आलंबन प्रयोग। देखिए इंसान आज निराश से आक्रांत है, सब स्वीकार करेंगे इसको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और इससे बचने का जो उपाय उन्होंने बताया वो बताया अतिक्रमण, प्रतिक्रमण, निंदा और विसर्जन, तीन चीज उन्होंने बताया कि इसका प्रयोग अगर करोगे तो जो घुटन है वो स्वतः ही समाप्त होने लगेगी। निराशा है जो घुटन है, इससे मुक्ति के लिए अमोघ है ये आलंबन। यदि आपके पास आलंबन नहीं है तब समझिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बहुत बड़े भिखारी हैं। बस ये तीन प्रयोग, इस तीन प्रयोग को करें और घुटन से बचने का बहुत ही अच्छा उपाय सिद्ध होगा आपका। इसको करें दोस्तों, इसको समझें। अच्छा लगे तो दोस्तों गोपाला जी को यूट्यूब में वायरल करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।